और वहीं उत्तराखंड में पलायन को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का जनतंत्र टीवी पर बयान दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर नहीं दे पा रही है, जिसके चलते पलायन हो रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता से भी खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सरकार तमाम विकास के दावों की बात कर रही है और ऐसी योजना वहाँ पर लाने की बात कर रही है कि वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको निर्यात किया जाए ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले। क्या स्थिति है वास्तविक? ये तो जो वहाँ की स्थिति है, सरकार को उन्हीं के द्वारा गठित एक आयोग ने उनको आईना दिखा दिया है। अब अल्मोड़ा की अभी रिपोर्ट आई है कि वहाँ से 70,000 लोगों ने पलायन किया है। अब वहाँ उत्तराखंड में एक विधानसभा क्षेत्र में इतने वोटर होते हैं तो इसका मतलब एक पूरी विधानसभा वहाँ से पलायन कर गई। तो अगर वहाँ पर कुछ होता है तो लोग इतने पलायन क्यों करते? तो मुझे लगता है कि सरकार का जो एक जुमले वाला जो चरित्र है केंद्र से लेकर के राज्य तक, मेरे ख्याल से उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। डबल इंजन वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। डबल इंजन खाली जो है सांप्रदायिक तक कैसे बढ़े और उससे हम राजनीतिक लाभ कैसे ले सकते हैं, उसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में आने के बाद से अगर बात की जाए, ये आप 70,000 अल्मोड़ा से खाली कह रहे हैं, तो कितना पलायन हुआ होगा और कितना विकास हुआ होगा, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, विकास तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कहीं पर भी डबल इंजन हो तब चाहे सिंगल इंजन हो, मुझे कहीं पर उनकी दृष्टि जो है वहाँ के गाँव की तरफ दिखाई नहीं दे रही है और देश में भी नहीं दिखाई दे रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। अगर पलायन हो रहा है तो हमने कहा था कि पहले वहाँ के लिए एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाइए, सतत विकास की एक पॉलिसी बनाइए। आपने वहाँ के लोगों से जो छीन लिया, आपने उनके जंगल जो उनकी लाइफ लाइन थी उसको छीन लिया, हमारी वो अधिकार आप वापस लाइए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। किशोर उपाध्याय जी थे जिन्होंने उत्तराखंड के पलायन को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा उठाया। 70,000 लोग अगर एक साल में खाली अल्मोड़ा से पलायन कर रहे हैं तो ऐसे में विकास कहाँ है? कैमरामैन कमल के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।